गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण वालसा के पाठ दो के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि वर्ण के भेद लिखिए तथा इसके भेदों की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। उत्तर है कि वर्ण वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस ध्वनियाँ को लिखित रूप देने के लिए उन्हें जो स्वरूप दिया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए आधा म धन ओ धन ह धन अ धन न धन अ बराबर होता है मोहन। दूसरा प्रश्न है कि स्वरों को किन दो आधारों में बांटा गया है, प्रत्येक का नाम लिखिए। दूसरा उत्तर है कि स्वरों को वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों को किया जाता है। पहला है व्युत्ति के आधार पर, दूसरा है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तीसरा प्रश्न है मूल स्वर तथा संधि स्वरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल स्वर वे स्वर जिनकी रचना किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं होती है मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में अ ई छोटा उ और ई चार मूल स्वर होते हैं। संधि स्वर वे स्वर जिनकी रचना में किसी अन्य स्वर या अपने ही रूप की सहायता ली जाती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ये सात होती है। पहला है आ ई बड़ा उ ए ऐ ओ और औ। ये सात ध्वनि जो हैं संधि स्वर होते हैं। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद कीजिएगा। बाकी शेष क्वेश्चन अगले दिन अगले वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से भेज दिया जाएगा। सर धन्यवाद।